इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तेलंगाना के फाइनल नतीजे आपके पेश नजर है। तेलंगाना की 17 लोकसभा नशिस्तों में कांग्रेस को 8 और बीजेपी को 8 और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल है। इस इंतखाबात में बीआरएस पार्टी का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। बीआरएस ने 17 हलकों में मुकाबला किया लेकिन सिर्फ 2 हलकों में दूसरे नंबर पर रही। इस इंतखाबात के बाद लोकसभा में बीआरएस की नुमाइंदगी खत्म हो चुकी है। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस के 9 अरकान पार्लियामेंट ने कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी ताकत को दुगना कर लिया है। कांग्रेस ने जिनमें 8 हलकों में कामयाबी हासिल की है उनमें वरंगल, कैडम काविया, महबूबाबाद से बुलारम नायक, खम्मम से रघुराम रेड्डी, नलगुंडे से रघुवीर रेड्डी, भोनगिर से किरण कुमार रेड्डी, नागर कर्नूल से मल्लू रवि, जहीराबाद से सुरेश कुमार शेटकर और पेद्दापल्ली से वंशी कृष्णा शामिल है। जबकि बीजेपी कामयाब होने वाले 8 उम्मीदवारों में सिकंदराबाद से किशन रेड्डी, मलका जिगरी से इटला राजेंद्र, आदिलाबाद से गडम नागेश, करीमनगर से बंडी संजय, चेवल्ला में कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी, निजामाबाद से अरविंद, महबूब नगर में डी के अरुणा और मेदक से रघुनंदन राव शामिल है। इस तरह हैदराबाद से मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 5वीं मरतबा रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल की।